बिहार की राजधानी पटना में नए साल की शुरुआत से ही सियासी युद्ध छिड़ गया है। सत्ता विपक्ष दोनों में पोस्टर वॉर जारी है। गुरुवार को पटना शहर के बीचों बीच इनकम टैक्स चौराहे पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था। इसमें लालू राबड़ी शासनकाल के 15 साल और सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल के 15 साल की तुलना की गई थी। हिसाब दो हिसाब लो शीर्षक से जारी इस पोस्टर में लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज और सीएम नीतीश के शासन को सुशासन दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं आज इसके जवाब में आरजेडी ने एक नया पोस्टर जारी कर दिया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सिर पर झूठ की टोकरी रखे दिखाया गया है। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों नेताओं में से एक ने जूता और दूसरे ने चप्पल पहन रखी है। दोनों हत्या, रेप, महंगाई, बाढ़, सूखा, शराब, माफिया और घोटाले जैसी कटीली झाड़ियों के बीच से सिर पर टोकरी लेकर गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार के कंधे पर सीएम की कुर्सी टंगी दिखाई गई है। पोस्टर में दोनों जिस टोकरी को सिर पर रखे हुए हैं, उसे झूठ की टोकरी का नाम दिया गया है। टोकरी में रोजगार, सुरक्षा और नल जल जैसे नारे रखे हैं। आरजेडी ने दूसरे पोस्टर में भी 15 साल बनाम 15 साल की तुलना करते हुए लालू राबड़ी शासनकाल को गरीबों का राज और सीएम नीतीश के शासनकाल को अपराधियों का राज कहा है। इसमें गरीबों का राज वाले सेक्शन में लालू यादव को गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल की अपराध की उन घटनाओं को दर्शाया गया है जो मीडिया की सुर्खियों में रही। इन पोस्टरों को लेकर बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि आरजेडी को इस तरह की बातें करने का नैतिक अधिकार नहीं, विपक्ष ने अपनी करतूतें छिपाने के लिए ऐसा किया है। आरजेडी को घोटाले के बारे में कोई बोलने का नैतिक अधिकार क्या है? क्या जो पूरी आरजेडी की सरकार 15 साल में बिहार को जिस प्रकार तहस नहस कर दिया और जिससे गठबंधन जिस कांग्रेस से उसने गठबंधन किया है, ये तो घोटाले की नानी अपने है। तो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को घपले घोटाले के बारे में कोई अधिकार बोलने का नहीं है। ये लोग अपने घपले घोटाले से लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का उपक्रम करते हैं। कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। जनता ने 15 साल के कुशासन को देखा है और फिर से एक बार 2020 के चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी कि ये लोग तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आरजेडी के लोग पढ़ते लिखते भी है कि नहीं लिखते, इस प्रकार की बात करते हैं, बचकानी बात करते हैं। इसका लीडरशिप भी बचकाना हो, बचकानी बात करता है, हम तो उसको कोई तवज्जो नहीं देते। इस पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये पोस्टर वॉर तो उन्होंने ही शुरू किया है, जिसका जवाब दल के लोग दे रहे हैं। देखिए, पोस्टर वॉर तो उन्होंने ही शुरू किया, गलत काम का शुरुआत उन्होंने किया, जिसका जवाब हमारे दल के लोगों ने दिया है। अब वो जवाब जनता चाह रही है, बिहार की जनता और देश की जनता चाहती है कि इन लोगों ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए? क्या इन्होंने सुशासन का नारा दे दिया? क्या सुशासन है बिहार में? रोज बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, रोज हत्या, लूट, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा, गंगोत्री बह रही है भ्रष्टाचार का, और पुलिस की पिटाई, सरकार में पुलिस की पिटाई हो रही है, और पटना में जहां सरकार है नाक के नीचे पुलिस की पिटाई हो रही है, और जदयू के नेता ये सब जितना भी गुंडई है, हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार उनके लोग कर रहे हैं, उनके बचाव में लगे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हत्यारे हैं उसको एक अन्य मार्ग में अब रखने का काम करते हैं। अब देखना ये है कि ये पोस्टर वॉर कहां तक जाता है और आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।